संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शाप उद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सो जी कहते हैं, महर्षियो, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर करके उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, ये जान करके वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रख करके वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुका करके भली भांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुनि, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के संबंध में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उसमें परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुसमय जान करके हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के कण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं श्रद्धा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वे वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शाप उद्धार की बात बता रहा हूं, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वरा के तेज से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर के शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पा करके फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सो जी कहते हैं, महर्षियो, महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर के वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर के स आनंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर के अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपनी एम शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी की तात हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एम परम आनंद से युक्त होकर के उनकी पूजा की। काशी का स आनंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल होकर के उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वहां पहुंच करके शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पिता में जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान
विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णता ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्टतर तपोमार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः प्रभु आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ, धर्म सब कुछ बताइए। निष्पाप पिता में मैं सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करता चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिक के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद जी की ये बात सुन करके लोकपिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5 समाप्त। महाप्रलय में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, भ्रमण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा दिखता था, अन्यान ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात होती थी, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी, प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी, अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था, शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी, रस का भी अभाव हो गया था, दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती है। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्य है, न दीर्घ है, तथा न लघु है, न गुरु है। उसमें ना कभी वृद्धि होती है, ना ह्रास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती हैं, अर्थात उनकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती हैं, उनका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती हैं। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परम आनंद में परम ज्योति स्वरूप अपर में आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत
संकोच विकास से शून्य तथा चिन्ह में है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक हो जाने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाध्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध स्वरूप ने ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्ह में सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गए। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसकी मूर्ति चिन्ह में आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह करके शिक्षा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वे अकेले ही अपने मुख मंडल में सदा 1,000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार के गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वे अचिंत्य तेज से जगमगाती है। यह वह सबकी यौनी है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परम आनंद रूपनी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपनी सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि सचंचालन का महान भार रख करके हम दोनों केवल काशी में रह करके इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वही अंत में सबका संहार भी करें।
यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उतार तरंगे उठ उठ करके इसे चंचल बनाए रखती हैं। इसमें सत्य गुण रूपी रत्न, तमो गुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे पड़े। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। ये आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट करके इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सप्तगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता के अथाह सागर था। उन्हें क्षमा नामक गुणों से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील कांति के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र पर फुल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्रीअंगों का स्वर्ण किसी कांति वाले ने दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव की प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की ये बात सुनकर के महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोली। शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। ये सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण ये श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव में यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर के शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। अध्याय 6 समाप्त। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव,
स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पा करके उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शीर की कांति लाल हुई। मेरा मस्तक त्रिपुंड्र की रेखा से अंकित थे। तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुए। मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ, जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल के नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़ करके मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को नहीं पा सका। इस दिशा में और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप अर्थात तप करो। उस आकाशवाणी को सुन करके मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से शोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दी। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्य स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देख करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तंत्र
उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ ही वाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर के उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक करके ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर के मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, ये क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है ना कर्म ही है। लिंग रही तत्व ही यहां लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महिषान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मणिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। अध्याय 7 समाप्त। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिशेष नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उसमें वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतोषचित से खड़े रहे। वे सत्ता वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवरण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्षा आकार को सूर्यमंडल के समान तेजों में देख करके जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वरण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्वतक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित भ्रामंतर भेद से युक्त भीतर जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि ये सोचने लगे कि ये अग्नि स्तंभ यहां कहां से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया।
तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हें ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहां जाकर के मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्ष प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्राप्त पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर के सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्षों के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ। वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट करके दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्यूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही ये 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग रूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। ये बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का ये कथन सुनकर के ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा है हरि हे ब्रह्मन ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जान करके श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुनि वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकित था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छवि मान और भांति भांति के आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महाप्रकर्मी और महापुरुष के लक्षणों से समान अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों के तार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर के अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और
उकार को बयां कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रिकार बायां। लरी और लरी ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर ओमकार तथा ओमकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अम और अ उन देव अधिपति शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि पांच अक्षर उनके दाहिने पांच हाथ हैं और च आदि पांच अक्षर बाएं पांच हाथ। त आदि पांच पांच अक्षर उनके पैर हैं। पकार पीठ है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उसी योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक सात अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शीत की सात भुजाएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शकार मेंड्र मुतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एम गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देख करके मैं और श्री हरि दोनों की दात हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में श्रीधारी महेश्वर शिव का दर्शन पा करके मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें पांच कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्तमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का सार्थक है तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। पश्चाताप मृत्युंजय मंत्र फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार पांच मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तंतर ऋक यजु और साम ये जिसके रूप हैं जो ईश्वर के मुकुटमणि ईशान हैं जो पुरातन पुरुष हैं जिनका हृदय अघोर अथवा सौम्य है जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह सवा सदाशिव हैं जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट होकर स्तवन किया। अध्याय 8 समाप्त।